शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अब विद्यालयों में जो अनुपस्थित छात्र हैं उनका नामांकन रद्द किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया कि जो छात्र 15 दिन तक स्कूल नहीं आ रहे हैं उनका नामांकन रद्द किया जाए। ऐसे में पश्चिमी चंपारण जिले में कुल 10,946 यानी 15 सितंबर से लेकर अभी तक इतने बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया, यानी पूरे बिहार में ये पश्चिमी चंपारण जिला अव्वल नंबर पे है बच्चों के नामांकन रद्द करने में, क्योंकि विभाग द्वारा आदेश दिया गया है कि जो बच्चे 15 दिन तक स्कूल नहीं आए उनका नामांकन रद्द किया जाए। स्कूल के एक प्रधानाचार्य भी हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग को भी निर्देश मिला है कि बच्चे जो ऐसा है कि विभागीय आदेश है, हम लोग BRC में मीटिंग में भी ऐसा बोला गया है कि अगर बच्चा 3 दिन तक विद्यालय नहीं आता है तो अभिभावक सूचना पंजी लेकर अभिभावक से दस्तखत कराना है, प्लस उन्हें प्रोत्साहित करना है, शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। फिर बच्चा अगर 15 दिन तक नहीं आता है तो उनके नामांकन को रद्द करना है। ऐसा हम लोग मैंने प्रयास कर रहे हैं कि सभी बच्चे विद्यालय से जुड़े, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि बहुत से बच्चे जो विद्यालय में नहीं आ रहे हैं जिनके 15 दिन जैसे पूरे होते हैं वैसे हम लोग नामांकन रद्द करना शुरू कर देंगे। तो विभाग के द्वारा जो निर्देश दिया गया उसका पालन जिले के हर एक स्कूल में किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जो जैसे बच्चों का नामांकन निजी स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों में हो जा रहे हैं तो जिसका लाभ जो गार्जियन हैं जो निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको पोशाक में, जो साइकिल में और भी जो लाभ होते हैं सरकार के द्वारा उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसको लेकर जो सचिव हैं अपर सचिव हैं KK पाठक जी उनका आदेश जारी हुआ कि ऐसे बच्चों का नामांकन काटा जाए जो 15 दिन तक स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिसको लेके पूरे अभिभावकों में और स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। और ये पश्चिमी चंपारण जिले में अब तक 10,946 बच्चों का जो अनुपस्थित है उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। जितेंद्र कुमार गुप्ता, ETV भारत, बेतिया।